नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। मैजिकल न्यूमरोलॉजी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है, क्या आपके मूलांक और भाग्य अंक में ये नंबर है? ये कौन सा, जो मैं बताऊंगा, जो बनाते हैं आपको सुपरस्टार। न्यूमरोलॉजी में छिपा है सक्सेस ऑफ सुपरस्टार। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या उन्हें टीवी, मूवीज, मीडिया लाइन, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, ट्रॉलीवुड हो, कोई भी वुड हो, क्या उसमें जाने का मौका मिल सकता है? और अगर वह गए तो क्या उन्हें सक्सेस भी मिलेगी? तो आज के न्यूमरोलॉजी स्पेशल एपिसोड में हम जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब कि क्या आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सुपरस्टार, हिट और फिट बन सकते हैं। क्या ऐसा कोई अंक है जो यह शो करता है कि इंडस्ट्री में चाहे वह डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सिंगर, राइटर, मीडिया लाइन, चाहे वो छोटा या बड़े तबके का क्यों ना हो, उससे जुड़े हुए कोई भी प्रोफेशन में आपको क्या सफलता मिल सकती है? आखिर वो कौन से अंक हैं जो आपको विनिंग द जैकपॉट तक ले जाने में मदद करते हैं? अगर ये जादुई नंबर आपके बर्थ चार्ट में है तो यकीन मानिए आप छुपे हुए रुस्तम हैं। आज हम जानेंगे अंकों का मीडिया प्रोफेशन की कामयाबी से क्या कनेक्शन है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं प्रिय साथियों जिनमें स्पेशल ऑरा होता है, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का, जो किसी भी फेमस एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मीडिया कर्मी में हो सकता है। अब जानते हैं वो कौन से अंक है जो आपको फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया लाइन में सफलता दिला सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर दो की, और नंबर दो का कनेक्शन है चंद्रमा से। चंद्रमा के खुद के अंदर 16 कलाएं हैं, इसलिए कलाकार बनने के लिए चंद्रमा और दो नंबर का स्ट्रांग होना जरूरी है। चंद्रमा को हम जिस प्रकार रोजाना देखना पसंद करते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर यह आपके बर्थ चार्ट में आता है तो आप स्टार लाइन में काम करने की प्लानिंग कर सकते हैं और आपको लोग देखना भी पसंद करेंगे। दो अंक वालों में अट्रैक्शन होता है, इनमें गॉड गिफ्ट आर्टिस्ट का टैलेंट मिलता है और इनकी ख्याति दिन ब दिन बढ़ती जाती है। अगर आपके भाग्य अंक, मूलांक या बर्थ चार्ट में नंबर दो आ रहा है तो आप फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए ट्राई कर सकते हैं, आपको वहां पर बड़ी सफलता मिलेगी। अब इसमें मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप इसे देख कैसे सकते हैं। अब देखिए कि जो मूलांक होता है वो आपके जो बर्थ का डे होता है उससे होता है। जैसे मेरा जन्म 18 तारीख को हुआ तो मेरा मूलांक हुआ 1 और 8 को जोड़ते ही 9 हो गया। आपका मान लीजिए 27 तारीख हुआ तो भी आपका 2 और 7 जोड़ेंगे तो 9 हो गया। 24 तारीख को हुआ 2 और 4 6 हो गया आपका मूलांक। 3 तारीख को हुआ किसी महीने की तो 3 मूलांक हो गया। तो जो आपकी संख्या उसको जोड़ने से मूलांक बनता है, टोटल सब चीज जोड़ दें। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म हुआ हो कि 22 नवंबर 1992, तो आप क्या करोगे, 22 को 2-2 जोड़िए, नवंबर 1-1 जोड़िए, 1992, इन सब को जोड़ोगे तो भाग्य अंक बन जाएगा। अगर नंबर दो आपकी फिल्म इंडस्ट्री में लेजेंडरी सक्सेस देता है, इनमें से कुछ नाम है अमिताभ बच्चन, आशा भोंसले, राजेश खन्ना, राज कपूर, शाहरुख खान। अगर आपके बर्थ चार्ट या मूलांक भाग्यांक में नंबर दो आ रहा है तो आप फिल्म इंडस्ट्री में जरूर ट्राई करें, मीडिया लाइन एंटरटेनमेंट में जरूर ट्राई करें। साथ ही आपको अपना वेट नहीं बढ़ने देना है और पर्सनैलिटी निखार लाने के लिए योगा भी साथ साथ करना है, पर्सनैलिटी के लिए जिम जाना है और अट्रैक्शन के लिए योगा प्राणायाम साथ में करना है, यह आपकी चमक को और बढ़ा सकता है। इसी के साथ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि नशा नहीं करना, जिससे शान समझते हो वो बर्बाद भी कर देता है। इसी के साथ दूसरा नंबर है 6, जो कि शुक्र का यानी वीनस का नंबर है। ये लग्जरी, ग्लैमर और एंटरटेनमेंट का नंबर है। नंबर 6 के लोगों की एज नहीं दिखती है, ये एंटी एजिंग काम करते हैं। कई हम 60 साल के लोग देखते हैं, अरे आप तो 45 के ही दिखते हो। नंबर 6 के लोग दूसरों से हटकर काम करते हैं। किशोर कुमार, सलमान खान, अनिल कपूर, अमोल पालेकर, संजय दत्त, इन सब की बर्थ चार्ट में नंबर 6 आता है। अगर आपकी बर्थ डेट में आया है नंबर 7, तो ये नंबर आपको आर्टिस्ट और उससे संबंधित टैलेंट देता है। आप कामयाबी की ओर बढ़ते जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा बगैर मेहनत के कामयाबी नहीं मिलती है। आपने देखा होगा कि कार्तिक आर्यन, राजकुमार राव इसी लिस्ट में शामिल हैं। अब अगर आपकी बर्थ चार्ट में नंबर 1 और 4 है तो आपके लिए मीडिया लाइन में ट्राई करना काफी अच्छा है। इस नंबर के लोग सक्सेसफुल न्यूज रिपोर्टर और मीडिया कर्मी बनते हैं। अब अगर आपकी बर्थ चार्ट में आ रहा है नंबर 5, तो ये लोग पर्दे के पीछे रहकर नाम और शोहरत कमाते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस देने के लिए हेल्प करते हैं। आप अच्छे न्यूज रीडर, राइटर और बैक स्टेज में काम कर सकते हैं। उसी तरह नंबर 3 के लोग म्यूजिक इंडस्ट्री में नाम और शोहरत कमाते हैं। अगर आप एक्टिंग की दुनिया में नहीं जाना चाहते
तो आपके लिए म्यूजिक कंपोजर और इससे संबंधित काम के ऑप्शन जरूर तलाश करने चाहिए। प्रिय साथियों, एक खास बात जिसका जिक्र करना जरूरी है, जिनका मूलांक और भाग्यांक सेम हो तो वो लोग मूवी मीडिया इंडस्ट्री में रिस्क नहीं परफेक्ट सफलता की गारंटी देता है, जरूर जाना चाहिए। जैसे आपका मूलांक और भाग्यांक 2 है तो आप इस फील्ड में सक्सेस पाएंगे और आपको कोशिश करते रहना चाहिए एक बेहतर मुकाम पाने के लिए। जिनके बर्थ चार्ट में नंबर 2 या 6 आता है उन्हें सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जिनके बर्थ चार्ट या मूलांक भाग्यांक में 1, 4, 7 आ रहा है तो वह भी इस फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं। आप भी डायलॉग डिलीवरी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग ट्राई ही नहीं करेंगे। जैसे रोज एक आदमी भगवान से प्रार्थना करे, भगवान मेरी लॉटरी लगा दो। तो एक दिन भगवान ने कहा कि भाई टिकट तो ले कम से कम। अगर आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल होने के लिए ट्राई करते हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए बहुत यूजफुल रहे। प्रिय साथियों, अगर आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल होने के लिए ट्राई करते हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा, बहुत यूजफुल रहेगा। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ और भाग्यांक में ये नंबर आ रहे हैं जो मैंने अभी बताए तो आपकी सक्सेस तय है। बस यही शुभ समय है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनों की डेट ऑफ बर्थ भाग्यांक को मैच करें और चेक करें। कोई समस्या आती है मुझसे संपर्क करें और टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के लिए जरूर आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। स्वस्थ मस्त और व्यस्त रहकर अपने दिन को गुजारिए, एंटरटेनमेंट जरूर करिए और लोगों का भी करिए और इस फील्ड में जरूर आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।